आज से 7-8 साल पहले 5 लाख के अंदर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाती थी इंडियन मार्केट में, लेकिन आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और अब 5 लाख के अंदर गिनी चुनी ऑप्शंस ही रह गई है। और इन ऑप्शंस में भी काफी सारे कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कस्टमर्स के बीच, और इसी कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो को बनाई जा रही है। 5 लाख 1 शोरूम प्राइस के अंदर आज हम रेनॉल्ट क्विड के टॉप और मारुति इग्निस के बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि तू टॉप से बेस मॉडल को क्यों कंपेयर कर रहा है। तो देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें कॉन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो सबसे पहला जो फर्क इन दोनों में है वो है क्विड एक एंट्री लेवल कार है, जबकि इग्निस एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, एंट्री लेवल सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी है ये। पहला कंपैरिजन तो ये है। अब जरा डायमेंशन को कंपेयर करें तो क्विड की लेंथ है 3731 mm, जो कि 31 mm ज्यादा है इग्निस की लेंथ से। बिर्थ है 1579 mm, जो कि 111 mm कम है इग्निस की बिर्थ से। हाइट है 1490 mm, जो कि 105 mm कम है इग्निस की हाइट से। और फुल बेस है 2422 mm, जो कि 13 mm कम है इग्निस की लेंथ से। तो इन ऑन पेपर डायमेंशंस के आधार पर आप देख सकते हो क्विड इग्निस से ज्यादा लंबी है, लेकिन चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस में बहुत कम है। मतलब आपको इग्निस में बेहतर केबिन पेस, बेहतर ऊंचाई, बेहतर कंफर्ट मिलने वाली है क्विड के तुलना में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो क्विड में 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करी जाती है, जो कि 4 mm ज्यादा है इग्निस में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस से। लेकिन क्विड में सॉफ्ट सस्पेंशन की यूज करने से ये गाड़ी फुल लोड के बाद दबती बहुत ज्यादा है, लेकिन इग्निस में स्टिफ सस्पेंशन का यूज किया गया है, जिसके कारण ये गाड़ी दबती नहीं बहुत ज्यादा और अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है रोड पे। रेनॉल्ट क्विड में टोटल 279 लीटर की बूट पेस ऑफर करी जाती है, जो कि 19 लीटर ज्यादा है इग्निस में मिलने वाली बूट पेस से। टायर साइज की बात करें तो क्विड में सिर्फ 14 इंचेस की ही मिल पाती है, लेकिन इग्निस इस मामले में बेहतर है। इग्निस के बेस मॉडल में 15 इंचेस की व्हील ऑफर करी जाती है, और इग्निस के बेस से लेकर टॉप तक आपको 15 इंचेस की व्हील मिल जाती है, जो एक अच्छी बात है। क्विड में 28 लीटर की फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जो 4 लीटर छोटी है इग्निस में दी हुई फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। रेनॉल्ट क्विड के 1 लीटर इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.74 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 0.85 kmpl ज्यादा है इग्निस में क्लेम्ड की गई माइलेज से। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो क्विड में सिर्फ 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, जो 67 bhp और 91 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो कि 15 bhp और 22 Nm कम है इग्निस के 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन में मिलने वाली पावर फिगर से। इसके अलावा इग्निस का इंजन 4 सिलेंडर इंजन है, इसीलिए ये इंजन वेरी रिफाइंड, स्मूथ और साइलेंट है। केबिन के अंदर नॉइस नहीं आती, जबकि क्विड के अंदर आपको डीजल वाली फीलिंग आएगी। बहुत ज्यादा नॉइस इस कार के अंदर आती है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल कार है, इसलिए आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो रेनॉल्ट क्विड क्लाइंबर मॉडल में मिलेगा ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद DVD, रियर पार्किंग कैमरा और चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, जबकि इग्निस सिग्मा बेस मॉडल में है ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद DVD, हाई स्पीड अलर्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स और रियर पार्किंग सेंसर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको सेफ्टी फीचर्स बराबर ही मिलती है, लेकिन जब बात करें क्रैश टेस्ट रेटिंग की तो यहाँ पे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्विड को काफी बार क्रैश किया गया है, उसमें उसे पहली कुछ टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली थी, बाद में एक और बार टेस्ट किया गया था जिसमें उसे 1 स्टार ही मिला था, लेकिन जब इग्निस की क्रैश टेस्ट की गई थी तो उसे 3 स्टार की रेटिंग मिली थी। मतलब इग्निस एक बेहतर गाड़ी है सेफ्टी में क्विड के मुकाबले। अब कॉम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो क्विड क्लाइंबर मॉडल में मिलेगा रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, 8-inch टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट और फ्रंट स्पीकर्स, जबकि इग्निस सिग्मा में मिलेगा बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, बॉडी कलर्ड वार फ्रेम्स, मैनुअल AC विथ हीटर और फ्रंट पावर विंडोज। वैसे इस वीडियो में मैं क्विड के टॉप मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे इग्निस के मुकाबले, लेकिन अगर आप इग्निस के बेस मॉडल में 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक खर्च करोगे तो ये भी टॉप मॉडल बन जाएगी, जैसे कि व्हील कवर्स, रूफ रेल्स, स्पॉइलर
और म्यूजिक सिस्टम विथ स्पीकर्स, तब ये बेस मॉडल भी टॉप मॉडल बन जाएगी बस कुछ ही पैसों में। अब स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ खास नहीं मिलता। क्विड में दिया हुआ है 2 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जबकि इग्निस में दिया हुआ है 2 साल और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। अब प्राइसिंग की बात करें तो रेनॉल्ट क्विड क्लाइंबर ऑप्शनल मॉडल मैनुअल मॉडल का प्राइस है 5.16 लाख रुपए, लेकिन इग्निस सिग्मा बेस मॉडल का एक्सोरूम प्राइस है 5,10,000 रुपए। मतलब इग्निस सिग्मा मॉडल 6,000 रुपए सस्ती है क्विड की क्लाइंबर मॉडल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ कॉम्फर्ट फीचर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इग्निस सिग्मा यहाँ पे हर एक मामले में रेनॉल्ट क्विड से बेहतर है, चाहे वो केबिन पेस हो, इंजन हो, सेफ्टी हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, हर एक पॉइंट में इग्निस एक बेहतर गाड़ी है रेनॉल्ट क्विड के मुकाबले। तो इस वीडियो में क्लियर विनर है इग्निस सिग्मा। अब आपकी चॉइस कौन सी है नीचे कमेंट करके बोलो। थैंक यू।